Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss ADRE 2024 paper 4 previous year question analysis. तो आज हम लोग देखेंगे ADRE 2024 का paper 4 में क्या क्या question पूछा है और इस question का answer भी analyze करेंगे. साथ में ये जो analysis है ये आने वाले ADRE exam के लिए बहुत helpful होगा, especially the upcoming ADRE examinations, that is grade 4. पेपर वन और पेपर टू के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा. आप लास्ट तक देखिए, 100% इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट एग्जिस्ट प्रेजेंटली. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा कंट्री है, कंट्री का नाम जो पहले कंट्री था अभी कंट्री नहीं है. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ चेकोस्लोवाकिया. चेकोस्लोवाकिया जो है वो अभी कंट्री नहीं है. ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हिच स्टेट इज़ द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ हॉकी टीम ऑफ इंडिया. हॉकी टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है, कौन से स्टेट है. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ उड़ीसा. उड़ीसा ऑफिशियल स्पॉन्सर है इंडियन हॉकी टीम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रेसिडुअल पावर का जो कंसेप्ट है ये कौन सा कंट्री से लिया गया है. तो ये लिया गया है ऑप्शन बी, दैट इज़ कनाडा से. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कनाडा. ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सोशल साइंस, करेंट अफेयर एंड साइंस का जो बेसिक साइंस का जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग डिस्कस नहीं होगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे. ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ रेसलर. ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन है जो रेसलर है. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, दैट इज सुनील कुमार. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स हैड विजिटेड कामरूपा किंगडम. ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री से. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हुइन सांग. ठीक है, हुइन सांग इट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, तो ये ADRE सेट ए का, पेपर 4 का सेट ए जो है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द मुगल एम्पायर हुज आर्मी वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ सरायघाट. तो कौन सा मुगल एम्पायर है जो सरायघाट में हराया गया था. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज औरंगजेब. औरंगजेब का आर्मी जो है वो सरायघाट में, बैटल ऑफ सरायघाट में हराया गया था. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले ADRE एग्जाम के लिए या बाकी आसाम का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असामिस नॉवल. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक प्रिस्टा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेक प्रिस्टा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2024. ओके, 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है. तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है गुलजार. ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुलजार, ये राइट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच हिंदी पोएट इज नॉन एज द मथुसला एंड अग्निपथ. ओके, हिंदी पोएट व्हिच इज नॉन फॉर मथुसला एंड अग्निपथ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरिवंश राय बच्चन. ओके, ये राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कलवेलिया इज ए फोक डांस फॉर्म ऑफ व्हिच रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन ऑप्शन डी, दैट इज थार डेजर्ट. ठीक है, ये जो फोक डांस है ये कौन से जगह पे है, ये थार डेजर्ट रीजन पे, दैट इज इन राजस्थान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट सीन ऑन द ओलंपिक फ्लैग. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है रिपीट किया गया है, मेरा फर्स्ट वीडियो ADRE का जो क्वेश्चन जो इस साल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस क्वेश्चन में ये ओलंपिक फ्लैग के बारे में डिस्कस किया था, और जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये पेपर 3 में भी पूछा गया था और पेपर 4 में भी आया है. ठीक है, तो ये ओलंपिक फ्लैग का जो
क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक पेपर वन और पेपर टू में भी ये पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में जानना। और पहले वीडियो में प्रीवियस जो वीडियो है उसको भी देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट सीन ऑन दी ओलंपिक फ्लैग, तो ओलंपिक फ्लैग में कौन सा कलर नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर्स ओलंपिक फ्लैग में नहीं है, ठीक है। बाकी फाइव कलर जो है वो प्रीवियस वीडियो में बोला गया है, वो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन असामिस लिटरेचर हु इज नॉन एज द द्वानी खाबी। ओके, द्वानी खाबी किसको बोला जाता है असामिस लिटरेचर में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज बिनंदा चंद्र बरुआ। ओके, बिनंदा चंद्र बरुआ है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच कंट्री आर कीरा एंड खो द नेशनल ड्रेस ऑफ, ठीक है। व्हिच कंट्री आर कीरा एंड खो द नेशनल ड्रेस ऑफ, ठीक है। तो कौन सा कंट्री कीरा और खो जो है वो नेशनल ड्रेस है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भूटान। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटेलिक मिनरियल। ओके, ये बेसिक साइंस के अंदर से, जनरल साइंस या बेसिक साइंस के अंदर से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटेलिक मिनरियल, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये नॉट ए नॉन मेटेलिक मिनरियल के अंदर आता है, बिकॉज इट इज़ ए मेटेलिक मिनरियल, इसीलिए ऑप्शन के साथ क्या बोलते हैं सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो दिया नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन जो है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग फाइंड करना है। वोल्केनो कैन नॉट एग्जिस्ट अंडर वाटर, ये गलत है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्केनो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। सी डज नॉट हैव एनी वाटर करेंट, ये गलत है, पानी में सी करेंट होता है, ठीक है। हम लोग ने देखा कोल्ड वाटर करेंट, हॉट वाटर करेंट, ये हम देखा है, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर 6, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज फिल विद वाटर, ये हम लोग ने बचपन से पढ़ के रखा है कि दुनिया में पानी सबसे ज़्यादा होता है ज़मीन से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट ऑप्शन है, ठीक है। एंड लैंड मासेस इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ, ये रॉन्ग है, अगर ये सही है तो ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाए, ये एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के राइट ऑप्शन यही होगा, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज फिल विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच प्रेजेंट रीजन ऑफ इंडिया डिड किंग ललितादित्य, दैट इज मुक्तापीडिया, हैव हिज एम्पायर इन, तो ये जो किंग है ये कौन सा रीजन में ये अपना शासन चलाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर रीजन पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट वन द जनपिट अवार्ड, जनपिट अवार्ड अभी तक कौन जीता नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है वो वीरेंद्रनाथ दत्ता है, ठीक है। वीरेंद्रनाथ दत्ता इज द राइट ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच असामीज मूवी इज बेस्ड ऑन भवेंद्रनाथ साकिया नॉवल ऑन टो ट्रिप, ठीक है। ऑन टो ट्रिप जो नॉवल है उसमें से ये जैसे कि मान लो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जैसे कि व्हिच असामीज मूवी इज बेस्ड ऑन द भवेंद्रनाथ साकेस नॉवल ऑन ट्रिप, मतलब कौन सा ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके बेस में ये मूवी बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अग्निश नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ए कर्व वाटर बॉडी फॉर्म व्हेन ए रिवर चेंज इट्स कोर्स टू टेक ए शॉर्टर पार्ट इज नॉन एज, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक को बोला जाता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा, जैसे कि वाटर बॉडी को ऑप्शन में दिया गया जो है उसमें से किस कौन सा वाटर बॉडी को बोला जाता है जो नदी जब सीधा जा रहा हो और वो शॉर्टकट मारने के लिए नदी को काट के, जैसे कि नदी जो है वो यू शेप में से ना जाके वो शॉर्टकट मार देते, तो उस समय क्या होता है कि पानी जो है यू शेप ना जाके यू का आधा से ही वो कट करके चला जाता है, तो बाकी जो रीजन है वो बन जाता है एक्सबो की तरह, इसीलिए इसको एक्सबो लेक बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, इन विच सिटी इज दलाल स्ट्रीट लोकेटेड। ठीक है, अगर आप में से किसी ने शेयर मार्केट में या शेयर मार्केट का नॉलेज है तो ये आंसर आराम से कर पाएंगे। दलाल स्ट्रीट लोकेटेड है मुंबई पे। ठीक है, मुंबई सिटी जो है इसको माना जाता है इंडिया का एक स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट या दलाल स्ट्रीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट रिलेटेड टू मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हम लोग ने बचपन में स्कूल लाइफ में जीके में पढ़ा था। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली ये हॉकी है। मिस्टर ध्यानचंद इज रिलेटेड विद हॉकी। ठीक है, तो ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ फॉर्टेस्ट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबर आइलैंड। ठीक है, नीचे में जो दिया हुआ जो क्वेश्चन है मतलब यह कंट्री है ये अंडमान एंड निकोबर से सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री दूर है। ठीक है, तो सबसे फॉर्टेस्ट कंट्री देखना है, तो अंडमान निकोबर आइलैंड जो है, इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबर आइलैंड है ये इंडिया का ही पार्ट है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो दूर कंट्री जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 45। आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। ओके, क्योंकि म्यांमार इंडोनेशिया का बहुत नज़दीक है, क्योंकि अंडमान का ही क्लोज है इंडोनेशिया, निकोबर का ही क्लोज है मलेशिया भी निकोबर का ही क्लोज है, और वियतनाम जो है ये दूर है, थोड़ा सा दूर है दोनों में से, तो ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच स्टेट इज़ द धंडिया रास ए पॉपुलर फोक डांस। ठीक है, ये जो फोक डांस है ये कौन सा कंट्री के लिए सबसे पॉपुलर है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, सागर देखीसा ए कलेक्शन ऑफ असामिस पोएम वॉज रिटेन बाय। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दिवाकंता बरुआ। ओके, लेट्स की क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस। नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन चला गया है, फिर भी ये क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जैसे कि सामवेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड आयुर्वेदा, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूनिक है, मतलब जुड़ा नहीं है, थोड़ा सा एक ऑप्शन तो अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यजुर्वेदा। ठीक है, बाकी सब जो है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, हु प्लेड द टाइटल रोल इन द 1969 वर्जन ऑफ डॉक्टर बेसबुरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजन बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कौन सा स्टेट है जो नीचे में दिया हो गया है, तो चारों में से कौन सा स्टेट यूनाइटेड स्टेट का यूनाइटेड स्टेट कंट्री का स्टेट है। ठीक है, तो 55 ऑप्शन क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है हवाई आइलैंड जो है, एक आइलैंड है, ये अमेरिका का ही स्टेट है। और ये क्वेश्चन जो है आई थिंक ये रिपीट हुआ है पेपर नंबर 3 से, तो ये मेरे ख्याल से ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये आ सकता है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच टू कंट्रीज डस द गोबी डेजर्ट टच। ठीक है, गोबी डेजर्ट लोकेटेड कहाँ पे है, गोबी डेजर्ट लोकेटेड है चाइना और मंगोलिया कंट्री के बीच में, और ये जो डेजर्ट है ये टच करता है अपना चाइना और मंगोलिया को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन, व्हिच स्पोर्ट डिड पीटी उषा प्लेड। तो पीटी उषा कौन सा स्पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो व्हिच ऑप्शन इज रिलेटेड विद द पीटी उषा, सो द क्वेश्चन नंबर 59 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच आइलैंड हिलॉक इज द उमानंदा टेम्पल सिचुएटेड। ठीक है, इन व्हिच आइलैंड हिलॉक इज द उमानंदा टेम्पल लोकेटेड, तो कौन सा आइलैंड या जो पहाड़ है वहाँ पे उमानंदा टेम्पल लोकेटेड है, तो उस पहाड़ का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, दैट इज बसमचल। ठीक है, उस आइलैंड का नाम है बसमचल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ महाभारता। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, गीता के साथ महाभारता राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज बाय द असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड इज, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बम्बू। बम्बू जो है एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है जो असम बायो रिफाइनरी इंडस्ट्री में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असामीज ज्वेलरी आइटम वोर्न इन ईयर, ठीक है, कानों में जो असामीज लोग जो लगाते हैं ज्वेलरी उसका नाम क्या है, ठीक है, या इस ऑप्शन में से दिया गया है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज थुरिया, ठीक है, थुरिया बोलते हैं, तो थुरिया इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69, अ पॉलिटिकल एंड लीगल प्रोसेस बाय व्हिच अ लेजिस्लेटिव बॉडी और अदर लीगल कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल इनिशिएटेड चार्जेस अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिशियल फॉर मिसकंडक्ट इज टर्म्ड एज, तो अगर मान लो कोई पॉलिटिकल या लीगल प्रोसेस में कोई भी सरकारी जो ऑफिशियल है उन लोग के ऊपर अगर कोई मिसकंडक्ट का चार्जेस क्या बोलते हैं अगेंस्ट चार्ज करते हैं या उसके ऊपर कोई केस लगाते हैं तो उसको कैसे इनिशिएट किया जाता है या प्रोसेस जो है उसका नाम क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट बोला जाता है कोई भी ऑफिशियल के ऊपर अगर मिसकंडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है तो इम्पीचमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अगर कोई मिसकंडक्ट या उसके ऊपर अगर उसको निकालना है तो इम्पीच करना पड़ता है, इम्पीचमेंट के लिए प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट में किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71, टोयोटा हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, टोयोटा का हेडक्वार्टर कहाँ गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग करेंट अफेयर या जनरल नॉलेज रखते हो तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, टोयोटा का हेडक्वार्टर जापान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री कंट्रोल द स्विस कैनल, स्विस कैनल जो है वो कौन सा कंट्री कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली जो ज़्यादा कंट्री इसके साथ जुड़ा टच है वही कंट्रोल कर सकता है, दैन स्विस कैनल जो है पूरा इजिप्ट से ही निकल के आता है तो इजिप्ट ही इसको कंट्रोल करते हैं। तो सो राइट ऑप्शन फॉर 73 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दस सलाइवा इन आवर माउथ हेल्प टू ब्रेक डाउन, ठीक है, ये भी बेसिक साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन 74 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टार्च। स्टार्च जो है ये हम लोग का मुंह में जो सलाइवा जो थूक है वही उसको डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच कंटिनेंट दस द मेडिटेरेनियन सी लाइज बिटवीन, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी जो है वो कौन सा दो कंटिनेंट के बीच में है, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, अगर वर्ल्ड में थोड़ा सा भी देखा हो तो आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो जो नीचे दिया हुआ जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है, सिक्किम शेयर बॉर्डर विद असम, नो सिक्किम असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, दो सिक्किम इज़ द नॉर्थ ईस्ट कंट्री, ठीक है, देन सिक्किम लाइज टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द असम, ये भी गलत हो सकता है शायद क्योंकि ये वेस्ट नॉर्थ की तरफ सिर्फ है, फिर भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट है असम शेयर बॉर्डर विद सिक्किम एंड मेघालय, ये गलत है क्योंकि सिक्किम असम के साथ शेयर नहीं करता तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली असम जो है मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, असम का साउदर्न पार्ट में मेघालय है। देन बांग्लादेश एंड सिक्किम टच द बॉर्डर ऑफ असम, ये भी गलत है क्योंकि असम जो है सिक्किम से असम के साथ बॉर्डर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सोचना भी गलत ही है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, तो हम लोग के पास ये बचा है, ठीक है, दो असम सिक्किम लाइज इन द अबव ऑफ द असम एंड इन अकॉर्डिंग टू दिस हॉरिजन ये वेस्ट की तरफ है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच कंट्री डिड द मार्शल आर्ट टाइकुंडो ओरिजिन इन, तो टाइकुंडो कौन सा कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोरिया से ये ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स, ठीक है, ओलंपिक गेम में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइकल फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91,
क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता मौर्य। व्हिच एम्पायर वाज चाणक्य द रॉयल एडवाइजर, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द मेडिटेरेनियन सी नॉट टच। ठीक है, ऑब्वियसली ये पहले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड ही, वर्ल्ड मैप को ध्यान में रखना पड़ेगा और ये ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल मेडिटेरेनियन के साथ टच नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, नियर व्हिच प्लेस ए स्टैचू ऑफ जोंगल बलाहु हैज बीन इरेक्टेड। ठीक है, जोंगल बलाहु का जो स्टैचू है कौन सा सिटी के पास है, या कौन सा सिटी के पास है? तो इसका जो 94 क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज रहा। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन टेनिस प्लेयर। ठीक है, बाकी सब नॉन टेनिस प्लेयर है लेकिन एक जो है वो लॉन टेनिस प्लेयर नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे नॉट बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असम। तो ये क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी तोकारी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो टैक्स सामान के ऊपर जो लगाते हैं उसी को ही इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, क्योंकि वो जो टैक्स है वो हम लोग सरकार को डायरेक्ट पे नहीं करते, हम लोग पे करते हैं इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री के तरफ से सरकार के पास जाते हैं। ठीक है, तो और ऊपर से ये टैक्स जो है सरकार हम लोग के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाते, वो सामान के ऊपर लगाते हैं, जो सामान खरीदेंगे वही टैक्स पे करेंगे, तो इसीलिए इसका ही नाम इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? गिफ्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 99 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड प्राइड एंड प्रिजुडिस। ठीक है, क्वेश्चन प्राइड एंड प्रिजुडिस किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज जैन ऑस्टीन। ओके, जैन ऑस्टीन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ऑड वन आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये जो लिस्ट दिया गया है इसमें से कौन सा चीज है वो ऑड है? ठीक है, ये एक्चुअली रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग ने पिक किया क्योंकि ये भी जनरल कंसेप्ट के अंदर आ जाता है। तो ये जो है इसका जो राइट ऑप्शन, देखो चैप्टर किताब में है, प्रीफ्रेंस ये भी किताब के अंदर है, इंडेक्स नो बुक किताब के साथ रिलेटेड। तो ये बाकी सब ऑप्शन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है, ये तो देखो इंडेक्स किताब के अंदर है, प्रीफेस भी किताब के अंदर है, चैप्टर भी किताब के अंदर है, लेकिन किताब क्या है? ये होल बुक है, मतलब सबको कंबाइन किया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 दैट इज सियाचिन इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सियाचिन जो है ये कौन सा ऑप्शन के साथ मिलता है, ये मतलब सियाचिन को कौन सा ऑप्शन, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे या ग्लेशियर बोलेंगे, प्लेट्यू बोलेंगे या स्नो माउंटेन बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा सियाचिन ग्लेशियर के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट ऑप्शन है वो है ग्लेशियर, सियाचिन एक ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा माउंटेन रेंज लोकेटेड है जो दिया गया ऑप्शन में से? क्वेश्चन नंबर 107 का राइट ऑप्शन है पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, सतपुरा राजस्थान में है और बाकी सब जो है दूसरा पार्ट ऑफ इंडिया में है, नॉर्थ, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो राइट ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट इज डोरेमोन। ये क्वेश्चन मुझे बहुत फनी लगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे ख्याल से एरिया ग्रेड एटलीस्ट ग्रेड 3 में तो ये पूछना नहीं चाहिए था। डोरेमोन क्या है? ऑब्वियसली एवरीवन कैन आंसर दोस्वार, जैसे कि मान लो जो टीवी देखते हैं या कार्टून देखते हैं तो उन लोग को पता होगा डोरेमोन क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑब्वियसली एक कार्टून कैरेक्टर है, डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट डिड मोनालिसा बरुआ मेहता एंड त्रिदीप दौरा रिप्रेजेंट असम। ठीक है, ये दोनों ने असम का कौन सा स्पोर्ट में या कौन सा प्ले में
सपोर्ट किया है ठीक है या पार्टिसिपेट किया है। तो 110 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, टेबल टेनिस में इसने इंडिया का आसाम का रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवार्ड एक्सक्लूसिवली फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन जो नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा जो अवार्ड है वो सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, ओनली फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो है ओनली फॉर म्यूजिक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 115, व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रेजेंटली बीइंग प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में कौन सा डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया जाता है, कि देखो डेमोक्रेसी बहुत डिफरेंट टाइप होता है, तो इंडिया में कौन सा डेमोक्रेटिक यूज़ किया जाता है। सो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, और USA में जो डेमोक्रेसी फॉलो होता है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, the discourse of the following is incorrect in regards of the ICC men's ODI cricket world cup। ठीक है, ICC cricket world cup के related कौन सा option incorrect है, incorrect निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंग्लैंड वन द वर्ल्ड कप इन द फर्स्ट टूर्नामेंट। ये गलत है। ठीक है, इंग्लैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड कप नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, इन विच कंट्री वॉज क्रिस्टोफर कोलम्बस बॉर्न। क्रिस्टोफर कोलम्बस ने कौन सा कंट्री में बॉर्न किया, जन्म लिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इटली। ठीक है, इटली इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। ब्राज़ील ने कितना बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फाइव बार ब्राज़ील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट 121, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय वन ऑफ विद असम भैभव इन 2024। असम भैभव का जो अवार्ड है या रिवॉर्ड है किसको दिया गया है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रंजन गोगोई। ठीक है, हम लोग का जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसी को ही दिया गया है, असम भैभव इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट होस्ट IPL मैच। मतलब नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से कौन सा प्लेस है जो अभी तक IPL मैच को होस्ट नहीं किया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पटना। बिहार का जो पटना है वो अभी तक IPL को होस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी विलेज रॉक स्टार। विलेज रॉक स्टार का डायरेक्टर कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रीमा दास। रीमा दास इज़ द डायरेक्टर ऑफ मूवी विलेज रॉक स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम जयपुर व्हिच वाज द होम ग्राउंड ऑफ राजस्थान रॉयल ड्यूरिंग IPL 2023। ठीक है, IPL राजस्थान रॉयल जो है ये IPL 2023 में इसका होम ग्राउंड कौन सा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ही जनरल नॉलेज और सोशल साइंस का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जो बाकी रह गया जो क्वेश्चन पार्ट है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ जनरल नॉलेज एंड सोशल साइंस और बेसिक साइंस के बारे में डिस्कस किया है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होता है और प्लस इजी टू रिमेंबर है और इजी टू मतलब डायरेक्ट ही आ जाता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, अगर कन्फ्यूज़न है तो दोबारा देख लेना, फिर अगर पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है वो वीडियो भी देख लेना, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा एंड होप। और साथ में आप लोग ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच एवरी वन, होप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।